गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सारी रात बारिश हुई है और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। अभी भी बादल हैं और सुनने में आया है कि 3 से 4 दिन मौसम इसी तरह से अच्छा रहना है। आज हमारा फिर से काम नहीं हुआ क्योंकि मौसम के खराब होने की वजह से मिस्त्री मजदूर नहीं आए। छत हमारे दोस्तों सारी की सारी पानी से भर गई और हमारा मास्टर केज यार बहुत ज़्यादा मुझे भरा हुआ लग रहा है। वो देखें दोस्तों, सारा पानी से ऐसे तालाब बना हुआ है। अंदर जाके देखते हैं यार, सब परिंदे ठीक तो हैं ना। ये देखें दोस्तों, सारा पानी से भरा हुआ है और ये सारा दोस्तों बारिश का पानी है। मैंने कल ही दोस्तों मास्टर केज को साफ़ किया था। ये पानी निकालना बहुत मुश्किल होता है और ये यहाँ से निकला भी नहीं है क्योंकि निकासी के ऊपर आया हुआ है कचरा। कचरे की वजह से पानी हमारा यहाँ पर ही खड़ा हो गया पूरे मास्टर केज में। और परिंदों को यार दाना वगैरह डालते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं यार, हमारी डायमंड डब का बच्चा ठीक तो है ना, नुकसान ना पहुँचा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बिल्कुल ठीक है वो यार, माशाल्लाह बड़ा हो रहा है ये तो। ये इसके कलर यार थोड़े मुझे ब्राउन ब्राउन लग रहे हैं। ये इसकी माँ है और ये इसका बाप है। ये तो दोनों यार ग्रे हैं लेकिन ये बच्चा यार मुझे ब्राउन ब्राउन लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल हम वापस रख देते हैं यार इसको, ये बिल्कुल ठीक है, मुझे डर लग रहा था। और अब हम दोस्तों चेक कर लेते हैं खुमरों के बच्चे, क्योंकि यार छत हमारी लीक है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ये वाला ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा चेक कर लेता हूँ यार मैं, इसका कलर भी यार ब्राउन लग रहा है मुझे। पहला जो बच्चा निकला था वो वाइट था बिल्कुल, और इसकी समझ नहीं आ रही है, सेम टू सेम कबूतर की तरह लग रहा है यार ब्लैक। पता नहीं यार ये कौन सा रंग निकालेगा, लेकिन अभी देर है, कुछ टाइम के बाद इनका भी पता चल जाएगा कि कौन सा कलर निकालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक है, हमारी डब्स भी दोस्तों ठीक हैं और डायमंड डब्स भी ठीक है। मतलब इन्होंने बारिश को एंजॉय किया है, कोई मसला नहीं हुआ इनके लिए। सर्दियों में बारिश आती है तो फिर मसला होता है कि ठंड वगैरह ना लग जाए, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 50 तक टेम्परेचर गया है ना, इस वजह से फिर इनको मज़ा आया होगा बारिश में, ना कि मसला हुआ होगा। और रात को यार मैं यहाँ पर ईंटें रख के गया था, अब इन सबको हटाना पड़ेगा क्योंकि हवा चल रही थी, साथ में बारिश थी, तो ये पर्दा बार बार बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, पिंजरे पर लग रहा था और मैंने समझा कि परिंदे शायद डर रहे होंगे। तो ये वाली ईंटें मैं उठा लेता हूँ और इस पर्दे को ऊपर करते हैं ताकि हमारे परिंदों को ठंडी ठंडी धूप लगे, क्योंकि अब निकलना शुरू हो गया धूप यार। अब इस पर्दे की बारी ऊपर करने की यार अकेला होना, सिप्टैन सो रहा है, फिर यही हाल होता है अकेले में। अब इस पर्दे को यार मैं ऊपर कर लेता हूँ। दूसरा बच्चा निकला है या नहीं निकला? और दूसरा बच्चा तो मेरे ख्याल में नहीं निकला हुआ यार, अंडा है। इसमें से मैं चेक कर लेता हूँ आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। आवाज़ें आ रही हैं दोस्तों इसमें से, इंशाल्लाह अभी शाम तक शायद ये बच्चा निकल आएगा। और हमारे शिराजी पिजन्स के बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए यार सबको देख रहा हूँ क्योंकि बारिश हुई है ना रात को, कि कुछ मसला ना हुआ हो। इसने भी यार अंडा दे दिया कल, और बाकी सारे परिंदे ठीक हैं। रात को यार मैंने ये वाला कपड़ा दिया था कि हमारे इस डरबे के अंदर पानी ना जाए, तो इसके अंदर नहीं गया खास पानी इतना, बाकी इधर से टपका था। छत हमारी सारी के सारी ख़राब है ना, तो मास्टर के में पानी भर गया। लेकिन हमारी स्ट्रॉबेरी फील्ड देखें दोस्तों, सुबह के टाइम किस तरह से क्विंग कर रही है, साउंड निकाल रही है, खुश है। आज मौसम अच्छा है ना, इस वजह से साउंड निकाल रही थी, अभी चुप हो गई, अब देखें फिर निकाल रही है माशाल्लाह। तो इसके लिए यार फीमेल लेकर आनी है मैंने, ये मेल है। लेकिन मार्केट में यार स्ट्रॉबेरी फिंचेस आ ही नहीं रही, कहते हैं कोई लेता ही नहीं है। जब आप लेके गए थे उस टाइम आई थी सिर्फ, उसके बाद आई नहीं है, तो इस वजह से नहीं ले पा रहा मैं यार। लेकिन लेंगे यार, आपको पता है सेटअप बन रहा है, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हमारी बकरियाँ आएंगी, रैबिट्स आएंगे, डक्स आएंगी, फाउंटेन बन रहे हैं, मछलियाँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आनी है। तो अभी यार हम इनको रख देते हैं दाना, क्योंकि टाइम हो गया सुबह का। दाना यार रात को इधर रखा हुआ था, तो सिप्टैन को मैंने बोला था कि जाके इसको किसी अच्छी जगह पर रख दो ताकि पानी इसके ऊपर ना पड़े, और गत्ता था ना ये गल जाता, तो इस वजह से सिप्टैन ने फिर इधर रख दिया। तो ये मैं, ओए अंदर नहीं आना, ओए जाओ बाहर, मैं बाहर डालता हूँ, जाओ तुम। सारा कचरा तुम लोगों ने किया मास्टर केज में, इतना ज़्यादा मट्टी थी ना यार, साफ़ करने में मुझे 3 घंटे लग गए, अजाब आ गया। अब इधर यार मुर्गियाँ नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा यार इन्होंने तंग किया है मुझे। और कल जो मैंने सफाई की है ना, इतना मट्टी थी, गमलों में यार खेलते थे चूज़े तो सारी मट्टी नीचे आती थी, जिसकी वजह से यार फिर बीमारियाँ भी बढ़ी हैं। हमारी सेटअप पर रानीखेत की बीमारी भी आ गई थी, अभी भी है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन यार कोशिश करूँगा कि अपनी मुर्गियों को मास्टर केज से दूर रखूँ और साफ़ सुथरा रखूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों सारे परिंदे हमारे इकट्ठे हो गए हैं, कबूतर मुर्गे हैं। तो अभी यार इनको हम खाने देते हैं दाना, तो मैं नीचे जाता हूँ, उसी प्लान को उठाने की कोशिश करता हूँ, शायद यार वो उठ जाए।
तो यार मैं भी उठ चुका हूँ और तुराब ने मुझे कह के जाके देखो कि परिंदों की क्या सिचुएशन है। बस मैं सो रहा हूँ तो तभी मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, बाकी काम मैं नहीं करने होते, आपको भी पता है। कल मैंने कहा था ना कि बारिश आएगी, तो देखें बारिश आई है। तो आपको मैंने चैलेंज किया था भाई, मैं आज कह रहा हूँ बारिश आएगी तो आएगी, ऐसा ही है। कोई शिट यार, ये क्या हुआ है यार? डायमंड भी मरा हुआ है यार। कल हमारा ईगल भी ऐसे ही मरा हुआ था अचानक से, और आज डायमंड भी ऐसे ही अचानक से मरा हुआ। रात तक ये ठीक था, मैंने खुद इसको बंद किया था, बिल्कुल एकदम परफेक्ट था, और आज देखें ये मर गया है यार। इसको क्या हुआ होगा, इतना भारी हुआ है ना यार, ये बहुत ज़्यादा इसका वजन हो गया है, एक हाथ से उठाया नहीं जा रहा मुझसे। यार शिट यार, ये क्या हो रहा है यार हमारी मुर्गियों के साथ, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही यार। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी वाइट चिकन और हमारी वो गंजी मुर्गी वो बाकी रहेगी, बाकी सारे चिकन हमारी मर चुकी हैं। तो आपको बुलाता हूँ, उसको बताता हूँ भाई ये सीन हो गया आज। मैं तो बहुत ये देख के भाई मैं तो शौक हो गया हूँ, पता नहीं क्या होगा आगे। यार सुबह ठीक था जितेन, तुमने देखा था सुबह ठीक था ये? मैंने खोला है सब कुछ तो ठीक था, अचानक क्या हुआ इसे? वही तो, मैंने कल रात को इसको बंद किया यहीं पे, बारिश थी ना रात सुबह, मैंने खोला है सबको भाई। हाँ वही तो, सिप्तान यार हमारे डायमंड को दफनाने जा रहे हैं। ईगल के साथ यार इसको दफना देना। यार समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हुआ, सुबह मैंने डायमंड को खोला, मुर्गियों को खोला, बिल्कुल ठीक थे वो, पता नहीं कैसी बीमारी आ गई हमारे सेटअप पर। एक दिन के अंदर अंदर हमारे परिंदे मर रहे हैं, ज्यादातर मुर्गियां मर रही हैं यार। सिप्तान देखो जरा, क्या क्या देखूं? ये यार शिराजी कबूतर इधर क्यों आया हुआ है भाई? इसने वफादार कबूतरी जो थी ना, उसकी पार्टनर थी ना जो वफादार कबूतर की, हाँ। उसके साथ इसने जो है ना जोड़ा बना लिया, वफादार को छोड़ दिया उसने, अब ये अंडे भी दे दिए उन्होंने। यार अजीब सीन है यार, उसके बच्चे ये हैं इस कबूतर के, ये इनको फीड भी करा रहा होता है, और अब ये बैठा हुआ है किसी और कबूतरी के अंडों के नीचे। बस समझ से बाहर है यार, मुझे नहीं पता था कि इनका जोड़ा लग गया सिप्तान, तुम बता रहे हो। मैं देखा था ना भाई। और इसकी मादा कहाँ है यार सिप्तान? वो बैठी है ऊपर, वो वाली वो बैठी हुई है। रावी लकी कबूतरों का दूसरा बच्चा देखो निकला है कि नहीं निकला? कल तो एक निकल गया था, एक अंडा पड़ा था जो देखो यार, मैंने देखा है सुबह आवाज आ रही थी। अच्छा अभी तक निकला है? तो अब देख लेता हूँ, नहीं अभी तक भी नहीं निकला सिप्तान। क्यों यार, ये तो फिर ज्यादा मसला ना हो जाए रखे रखे। इन कबूतरों के अंडों के साथ भी ऐसा हुआ था याद है? अच्छा। काले पड़ गए थे, आवाजें भी आ रही थी। ये देखो क्रैक आया हुआ है सिप्तान। अच्छा क्रैक तो आया हुआ है, तो क्या थोड़ा सा यार मैं कर दूं इसको थोड़ा सा इधर से क्रैक? देख लो भाई हेल्प, वैसे इसके मुझे लगता है इसको जरूरत है। मुझे भी लग रहा है क्योंकि यार दो दिन हो गए सिप्तान। हाँ दो दिन में तो थोड़ा सा दिन का गैप होना चाहिए, दो दिन का तो बहुत ज्यादा हो रहा है। काट लो इसको थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा इसको क्रैक खुद कर देता हूँ ताकि आसानी से बाहर निकल आए। मुझे डर लग रहा है यार ये मर ना जाए अंडे में, क्योंकि हमारे कुछ कबूतरों के अंडों में बच्चे मर गए थे निकलते दौरान, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है ज़्यादा है आजकल, शायद यही वजह होती है मरने की। तो अब मैं थोड़ा सा इसको खुद नरम कर रहा हूँ उखाड़ने। जिंदा भी है यार? हाँ आवाज़ें आ रही हैं, वो जैसे बच्चा नहीं मार रहा था चूँच, ये देखो ये देखो ये चूँच नज़र आ रही है। हाँ ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ हिल रहा है, अब निकल आएगा ये। हाँ बस ठीक है, ओ चलो चलते नीचे फिर बाद में आएंगे। हाँ तो यार शाम हो चुकी है और सिर्फ हमारी ये चार मुर्गियां बच चुकी हैं, एक चूज़ा जो था ना हमारा वो भी मर चुका है, आखिरी चूज़ा छोटे वाला पड़ा हुआ है वो देखें आप, ये वाला चूज़ा भी मर चुका है, यानी कि जो हमारे नए चूज़े आए थे पांच वाले ना, वो पांचों के पांचों मर चुके हैं। अब हमें उम्मीद ये है कि ये वाली जो मुर्गियाँ हैं ये हमारी नहीं मरेंगी इंशाल्लाह, अल्लाह करे इनको कुछ ना हो, क्योंकि ये सारी देसी असील हैं तो इनको कुछ नहीं होगा हमें उम्मीद है। पिछली दफा याद है तुमने बोला था कि ईगल और डायमंड वैक्सीनेटेड है, इसको इनको कुछ नहीं होगा, वो सही अगले दिन दोनों देखो अब दोनों मर गए। यार मैंने कहा ना अल्लाह करेगा इनको कुछ नहीं होगा, दुआ ही दी है ना, और क्या कहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार इंशाल्लाह। तो यार ये जो शिराजी कबूतर है ना, अब ये देखते हैं कि शाम के टाइम अपने बच्चों को फीड कराते हैं या अभी तक पाल रहे हैं उनको। अच्छा अब देखो अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, हम साइड पे हो जाते हैं और देखते हैं बच्चों को फीड कराते नहीं कराते। उधर बिठा दो तुराब, ये जगह सही नहीं है, वहाँ पे बिठा दो। हाँ यहाँ पे फीड करा लेगा ना उनको, इजी रहेगा, वहाँ पे काफी कचरा वचरा है ना। हाँ कबूतर भी उड़ा दिया यार तो आपने शाम को सारे। मैंने नहीं उड़ाए, खुद उड़े। अच्छा ऐसे आवाज आई है जैसे तुम चल के गए हो ना, मैंने कहा उड़ा के गए हो। भाई इसने लगता है छोड़ दिया बच्चों को, बच्चों को फीड कराना चाह रहे लेकिन बच्चे फीड लेना नहीं चाह रहे, क्या हो गया इसको?
भाई उनको पता चल गया ना हमारे बाप ने सही नहीं किया, हमने छोड़ के दूसरी कबूतरी के पास चला गया, ये बात भी है। ये थोड़ी ना होता है, देखना अब ये सिराजी इनके पास जाएगा, मैंने देखे है ना बच्चे फीड नहीं ले रहे, नहीं तो बच्चे तो झट से माँ बाप के पास आते हैं ना। अब देखो हाँ ले रहे आ गए यार आ गए, मतलब यार ये तो गुड हो गया है। हाँ सही है, बच्चों को भी पाल रहे है साथ में है। हाँ। और क्या कर रहे है, दूसरी कबूतरी के पास भी इसने जोड़ा बना लिया और उसके अंडों को भी इनक्यूबेट कर, मतलब डबल ड्यूटी है यार। देखे दोस्तों अपने बच्चों को किस तरह से सिराजी फीड करा रहा है, और ये बहुत अच्छा हमें लग रहा है क्योंकि इसने डबल घर संभाले हुए हैं, एक ये वाला और एक दूसरा जो अभी इसका जोड़ा बना है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इंशाल्लाह हमारे सिराजी पिजन्स के बच्चे बड़े हो जाएंगे, सिर्फ एक हफ्ते के बाद ये उड़ना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।